सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम पर वृंदावन से आए भजन सम्राट पवन देव चतुर्वेदी व्यास के साथ ज्ञान ज्योति दर्पण ने खास बातचीत की है। आज हम आपको बताने वाले हैं उनके जीवन के संदर्भ के बारे में। उनके गीत संगीत कला पर हमने विशेष वार्तालाप की है। ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों श्रोताओं और पाठकों के लिए उनके द्वारा दी गई जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इन्होंने सतकुंभा धाम पर विशेष शोध कार्य किया है। अगर इनकी पढ़ाई की बात की जाए तो इन्होंने LLB की है। इनका घराना संगीत कला से जुड़ा हुआ रहा है तो इन्होंने इसी को अपनी प्राथमिकता दी है। भारत के अलावा दूर देशों में कला का शानदार प्रदर्शन करते हुए लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। सतकुंभा उत्सव पर पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप जी महाराज के प्रति उनका समर्पण भाव झलकता है और इनको प्रणाम करते हुए इनका वंदन और अभिनंदन करते हुए ज्ञान ज्योति दर्पण के पाठकों दर्शकों और श्रोताओं के साथ विशेष जानकारी साझा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों आपको सीधे लिए चलते हैं भजन सम्राट के नाम से विख्यात पवन देव चतुर्वेदी के साथ खास बातचीत के ये अंश आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना सतकुंभा तीर्थ पर यहाँ आज हमने पवन देव चतुर्वेदी जो भजन सम्राट से अलंकृत हैं आज यहाँ पर उनके साथ में उनके जीवन पर हमने खास चर्चा की है और हम अपने दर्शकों तक ये विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सिद्धपीठ तीर्थ सतकुंभा धाम पर जो सतकुंभा उत्सव 7 दिवसीय मनाया जा रहा है इसीलिए यहाँ पर मथुरा वृंदावन से आए हुए पवन देव चतुर्वेदी व्यास हैं, भजन सम्राट हैं, विभिन्न उपाधियों से अलंकृत हैं। भारत के अलावा दूर देशों के अंदर भी इन्होंने सनातन धर्म की प्राचा को फहराया है, दिव्य हिंदुत्व को पहुंचाया है और आज हम उन्हीं के जीवन पर आधारित खास कार्यक्रम ज्ञान ज्योति दर्पण के इस चैनल पर आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हमारा विशेष खास कार्यक्रम हमारे दर्शकों के लिए हमारे श्रोताओं के लिए है। आपका पूरा नाम और आप किस संस्था से संबंध रखते हैं इसकी हमारे दर्शकों के लिए पूरी जानकारी दें। जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेतनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी, हमारी जो संस्था है वह श्री आदर्श रामलीला कृष्ण लीला मंडल रजिस्टर्ड वृंदावन मथुरा है, जो कि सन 47 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हुई थी। और मेरा नाम श्री पवनदेव चतुर्वेदी व्यास जी है और निरंतर यही कार्य करते हुए मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आपके जीवन के बहुत अच्छे जो क्षण हैं संगीत से जुड़े हुए वो जानकारी दें। जी, संगीत से जुड़े हुए क्षणों की यदि हम और आप बात करें तो संगीत कोई साधारण कोई खेलने का शौक करने का या पूरा मन भरने वाला कोई कला नहीं है। यह जो स्वर है यही संगीत है और ये माना गया है शास्त्रों के मुताबिक कि संगीत स्वयं भगवान शिव भगवान सरस्वती भगवान नारायण के अवतार हैं। और रही बात क्षणों की तो जब हम लोग मंच पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो जो हमारे स्वर हमारी आवाज़ों के द्वारा निकलते हैं वह हमारे हृदय से निकलते हैं तो मानो साक्षात ईश्वर की हमको अनुभूति हो रही हो। तो जब भी जो सुंदर भजन होते हैं वो हमारे लिए अभूतपूर्व क्षण हैं और अभूतपूर्व हमारे लिए पल रहते हैं। वह आपने अभी तक अपने कहाँ कहाँ पर कार्यक्रम दिए हैं? जी जी, वैसे तो मैं आपको छोटा सा परिचय देता हूँ कि मेरे परदादा जी के टाइम से हम लोग इसी नाम बताएंगे उनका। हमारे परदादा जी महाराज साकेतवासी पूज्य श्री गोविंद राम जी चतुर्वेदी जी महाराज, उनके बाद में हमारे दादाजी श्री वासुदेव जी हरदेव जी सुखदेव जी हुए, उसके बाद पूज्य मेरे पिताजी श्री भगवान देव चतुर्वेदी जी। और ये कहाँ से संबंध है जी इनका? ये सब हमारे वृंदावन धाम से ही थे और वृंदावन धाम में राम जी का अपना वहाँ आश्रम है तो वहीं से सब संपर्कित थे। मैंने भी आगे जाकर पढ़ाई की और आपको स्वाभाविक बताऊँ कि मैंने वकालत की पढ़ाई की
अच्छा जी जी, लेकिन पारिवारिक यही कार्य होने की वजह से मेरा प्रेम पिताजी के प्रति विशेष था और पिताजी का प्रेम कला के प्रति विशेष था, संगीत के प्रति विशेष था। तो मैंने भी अपने उस वकालत की पढ़ाई को पूर्ण करने के बाद मैं उसमें प्रैक्टिस वगैरह नहीं की और मैं इसी लाइन में आ गया, संगीत में, लीला, कृष्ण लीला, कथा आदि के कार्यों में आ गया। रही बात करने की, तो तब से लेके और आज तक मैं जब 2 साल का था तब से भगवान राम जी की लीलाओं में, कृष्ण जी की लीलाओं में मंचन किया, तो तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देश विदेश, छोटे मोटे शहरों की बात न करते हुए मैं बड़ों बड़ों को आपको बतलाता हूँ, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर आदि, और इंडिया के बाहर नेपाल में और उसके बाद सिंगापुर, कनाडा आदि में भी मैंने अपने अपनी कला का प्रदर्शन लोगों को दिखाया है। और हम तो छोटे मोटे कलाकार हैं, लेकिन आपको बस इतना बतला दें कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ राम नाम की ऐसी कृपा होती है कि आनंद ही आनंद होने लगता है। सबसे आपके ज़्यादा दिल के करीब कौन सा राग है? जी, सबसे ज़्यादा जो मैं पसंद करता हूँ गाने में, राग तो बहुत हैं लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं करता हूँ तो केदार राग। वो केदार राग इसलिए करता हूँ मैं सबसे ज़्यादा पसंद, क्योंकि भगवान को साक्षात जीवंत करने के लिए वाला जो राग है, जिस राग का आप गायन यदि मन से करेंगे तो भगवान ये माना जाता है कि स्वयं आपके सामने मत उस राग का आप हमें थोड़ा सा आलाप जी। दर्शन दो घन श्याम आज मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम, दर्शन दो घन श्याम आज मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और अब क्योंकि हम सिद्ध पीठ तीरथ सतकुंभा धाम के ऊपर, आप जो सतकुंभा उत्सव में आए हैं जी, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप सतकुंभा के ऊपर कुछ अपनी पंक्तियां जरूर हमारे जो है दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए जरूर सुनाएं। जी जरूर। देखिए, मैं महंत श्री राजेश स्वरूप जी महाराज से काफी पहले से जुड़ा हुआ था, उनसे मेरा काफी प्रेम था, वो उनका वृंदावन आगमन लगा रहता था, हमारे यहाँ उनकी मुलाकात होती थी। लेकिन सतकुंभा के बारे में एक बार जींद में बैठे हुए हम और वो बात कर रहे थे, और भी संत महंत कुलदीपानंद जी आदि वहां उपस्थित थे, तो यही चर्चा हुई कि सतकुंभा, तो महाराज मैंने उसका शोध करना चालू किया। महाराज ने मुझसे कहा कि कुछ इसकी जानकारी आप करो, क्या है इसका रहस्य। मैंने शास्त्रों से इसकी जानकारी निकाली, तो महाराज ये जो पद्म पुराण है इसमें महाराज सबसे पहले दिया हुआ है समुद्र मंथन का वर्णन दिया हुआ है। तो जिस समय कश्यप जी के 2 विवाह उस समय हुए थे, दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और अदिति के साथ में, तो दिति से हुए थे सभी ये जो दैत्य हैं वह, और अदिति से हुए थे सारे देव। जब ये संतान उत्पन्न हो गई तो दैत्य और देवों ने मिलकर एक समुद्र का मंथन किया कि उसमें से 14 रत्नों को निकाला जाए। 14 रत्नों में कौस्तुभ मणि है, लक्ष्मी जी हैं, अशस्त्रवा उचस्त्रवा जो अश्व है वह है, ऐसी कल्प वृक्ष आदि कई चीजें वह निकली। तो उसमें मंदुराचल पर्वत को बनाया गया मथान, और वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में गए उसकी रस्सी बनाई गई, मस्तक की ओर सभी दैत्य लगे और पीठ की ओर सर लगे सारे देवताएं। महाराज मथना जब आरंभ हुआ तो उसमें से सबसे बाद में एक निकला अमृत कलश। अमृत कलश के ऊपर बहुत युद्ध हुआ, इंद्र का पुत्र जयंत उसको लेकर भागा, लगभग 12-14 दिन तक वहां उनका युद्ध चला। तो सूर्य की छाया, चंद्र की कृपा और गुरु बृहस्पति की दया से वह बचा रहा, लेकिन जहां जहां वो गिरा, 4 जगह वो गिरा, उसकी बूंदें गईं, हरिद्वार, उज्जैनी, नासिक और आपके प्रयाग। प्रयाग में तो स्थान भी दिया गया उस कुंभ को। तो महाराज वहां कुंभ लगने लगा, लेकिन वही कुंभ सप्तऋषियों के द्वारा मां यमुना की पावन भूमि, कभी बताते हैं इतिहासों में दिया गया है कि सतकुंभा के इस धाम में
यहाँ पहले यमुना माँ वहाँ करती थी, आज तो काफी दूर चली गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो महाराज वहाँ सप्तऋषियों ने आकर यहाँ पर उस कुंभ को अपने अपने हाथों में लेकर यहाँ पर साधना की, अपना यहाँ योग किया। तो एक कुंड, लोग कहते हैं सात कुंड, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन सत कुंभा, सत होता तो सौ हो जाता, लेकिन सत माने जो सत्य का कुंभ था, सत्य सप्तऋषियों के द्वारा दिया हुआ सत्य का कुंभ, वो यहाँ कर आकर विराजमान हुआ, जो यहाँ पर वो कुंभ के रूप में विराजमान है, और तभी से इस स्थान का नाम सतकुंभा पड़ गया। और यह 68 तीर्थों में हरियाणा सरकार की तरफ से अब आ गया है इसका नाम, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपको पवन जी, जी सरकार की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से कोई मान सम्मान, कोई उपाधियां अलंकृत की गई हो, उसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को मिले। जी देखिए, प्राइवेट संस्थाओं के यहाँ तो मैं जाता हूँ, तो लगभग हर स्थान से ही अपना अपना अवार्ड है या उनके जो उपहार है वो मिलते ही रहती हैं। ये कृपा है सब बाबा सीताराम जी की, ठाकुर कौशल किशोर भगवान की। लेकिन अभी हालिया कुछ पिछले 6 महीनों में मुझे यूपी सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भामाशाह विभूषित सम्मान को दिया गया है। और जल्द ही परवाना जी, मैं आपसे क्या कहूँ, सरकार की मुझ पर खबर भी आ गई है, शीघ्र ही मुझे, बहुत शीघ्र राम जी ने गरम कृपा हुई तो पद्मश्री के पुरस्कार से भी भारत सरकार नवाजेगी, ऐसी मुझको आशा है और पूरी उम्मीद है। आपका सबसे प्यारा, जो दिल के करीब कोई भजन हो, गीत हो, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ पंक्तियां सुनाएं। जी जरूर, बिल्कुल सुनाऊंगा। जब हमारे कन्हैया जी, हमारे कन्हैया जी यशोदा माँ के पास गए और यशोदा माँ से कहने लगे कि मैया, मैं आज 7 वर्ष के हमारे कन्हैया जी और अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं आज संकेत वन में खेलते खेलते पहुंच गया और वहां एक एक लड़की से मेरा ऐसा प्रेम का संबंध बन गया है, माँ मैं आपको क्या बताऊं। तो बोली, लाला कौन है वो लड़की? तो हमारे कन्हैया जी हंसते हुए क्या कहते हैं, राधिका गोरी से पिरश की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से पिरश की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, देख मन में विचार के राधिका गोरी से। तो माता क्या कहती है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी कहोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तो हमारे कन्हैया जी फिर कहने लगे उसी बात को कि मैया, यदि मेरा तूने विवाह करा दिया तो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं अपनी राधिका से मैं, अरे चरण तेरे तब बाऊं, हो बैगी बावरी बावरी अब शाम शाम के राधिका गोरी से विरश की छोरी से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब आप मंच के ऊपर होते हैं जी, तो आपके मन के जो ख्याल होते हैं उनको थोड़ा सा हमारे साथ में साझा करने का। देखिए जी, हमारा जो भारत देश है उसमें अनेकताओं में एकता, यानी अनेकताओं में एकता का उदाहरण ये है कि अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति। उत्तराखंड गया तो उत्तराखंड की बोली, मैं बिहार गया तो बिहार की बोली, बंगाल गया तो बंगाल की बोली, पंजाब गया तो पंजाब मराठी, मैं गया तो मराठा की बोली। यानी मेरा हर जगह जाना होता है और हर जगह के लोगों का माइंड, हर लोगों की भाषा सब अलग अलग होती है, लेकिन नहीं बदलता है तो क्या संगीत के स्वर, वो हर जगह एक से ही रहते हैं, लेकिन हमारा भाव उन संगीत से है। वहाँ की जनता को हमको कैसे इम्प्रेस करना है कि जहाँ हम जाएं और वहाँ लोग हमको चाहने लगें, हमसे प्रेम करने लगें, ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो उसके लिए जो उनको सबसे अच्छा लगता है हम वही कार्य करने का प्रयास करते हैं, यही हमारी उम्मीद रहती है। अच्छा, संगीत की बात आपके साथ में काफी लंबी चली है, वर्तमान के अंदर संगीत की, खासकर जो हमारा फिल्म जगत है उसमें स्वरूप कुछ बदलते नजर आ रहे हैं, ये जो हालात हैं जी, इनको हम किस प्रकार से सुधार पाएंगे और कैसे हम आने वाली पीढ़ी को कामयाब करेंगे इसके लिए?
देखिए, ये जो संगीत की हालात बिगड़े हैं, किसी जमाने में यदि हमारे फिल्मी जगत या हमारे आगे की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से तो अभी ये पहल काफ़ी अच्छी हुई है कि जो हमारी संगीत लुप्त हो चुकी है, रागनी स्वांग वगैरह, वो सब दोबारा करवा रहे हैं। लेकिन आज के वर्तमान समय में जो फिल्मी दुनिया के संगीत हैं उनमें जो पुराना संगीत है, क्लासिकल संगीत है, जैसे हमारे मुकेश जी गाया करते थे, रफ़ी साहब गाया करते थे, किशोरदा गाया करते थे, वो सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं और नया ये जो डीजे वाला संगीत आ गया है, लोगों को ये पसंद आने लगा है। लेकिन कुछ हद तक आज भी आप ये देखिए, यदि कोई 6 महीने पुराना संगीत है उसको लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन आज भी जो पुराने भजन हैं उनको आज भी हमारे लोग सुनते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पुराना संगीत कला कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, नया ये जो डीजे संवाद है ये स्वतः ही अपने आप ही हट जाएगा। तो पवन जी, क्योंकि आप तो जो है संगीतज्ञ हैं, आप बहुत अच्छे जो है गायक हैं, आप तो भजन सम्राट के रूप में विख्यात हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप सतकुंभा के ऊपर कुछ पंक्तियां गा करके भी सुनाएं। देखिए, ये सतकुंभा जो है ये बाबा सीताराम जी की तप स्थली मानी गई है, उन्होंने बहुत मेहनत की यहाँ आकर, बहुत तप किया, तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपको सतकुंभा के बारे में 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। जरूर जरूर। सतकुंभा सतकुंभा तपस्थली है, सतकुंभा सतकुंभा है, सतकुंभा तपस्थली है, सतकुंभा यहाँ सप्तऋषि आए थे यमुना का पूजन करने, सप्तकुंभ में बैठ कर बैलीन समाधि भर के, सप्तऋषि यहाँ आए थे यमुना का पूजन करने, तपस्थली मान करवा बैठे यहाँ मगन हो, उनने देखा जब इस स्थान की महिमा को, तो महाराज बखाना उस तीर्थ की महिमा को, सतकुंभा सतकुंभा तपस्थली है, सतकुंभा 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 ये तपस्थली है सतकुंभा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण की ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी प्रोग्राम करें उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो ज्ञान ज्योति दर्पण के पेज को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।